बात करेंगे। त्रिकोणमिति में देखिए कितना शब्द होता है, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति संधि विच्छेद के जिस इसका अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, पहले जैसे इसका अलग करेंगे क्या होगा, त्रि, त्रि मतलब होता है तीन, ठीक। अगला शब्द क्या है, कौन, कौन मतलब क्या होता है, कौन, और अगला जो होगा वो क्या है, मिति, मिति मीन्स क्या होता है, मौत। ये तीनों शब्द को मिलने से त्रिकोणमिति बनता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का मौत, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तीन कोणों का मौत। तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में, तो किसका मौत करेंगे हम लोग, त्रिभुज में, क्योंकि ये चतुर्भुज का बात कर नहीं सकते, उसमें चार कोण का, त्रिकोणमिति का अर्थ ही होता है तीन कोणों का मौत। और अक्सर करके त्रिकोणमिति में हम लोग को समकोण त्रिभुज का ही ज्ञात करना पड़ता है, जो भी जैसे त्रिभुज के शाब्दिक अर्थ हुआ तीन कोणों का मौत, समकोण त्रिभुज में हमको निकालना पड़ता है। चलिए हम लोग आज बात करते हैं त्रिकोणमिति में, जैसे ये हो गया त्रिकोणमिति, जैसे समकोण त्रिभुज की बात होता है, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए फिगर बनाते हैं, ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। जस्ट ये यदि बना देते हैं हम तो क्या ये समकोण हुआ, नहीं, आप लोग बचपन में सीखे होंगे 90 डिग्री कोण किस तरीके से बनता है। त्रिकोणमिति हम हर वक्त किसका बात करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है, अब इसको मिटाते हैं, नोट कर लीजिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का माप, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तीन कोण, तीन कोण किस में होगा, त्रिभुज में, और थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं तब समझ आएगा आप लोग को। देखिए ये हो गया त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप लोग जानते हैं, एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक, 90 डिग्री मीन्स। अब इसको मान लीजिए आप ए बी, और इसको क्या बोलेंगे, सी, ये आपका कोण हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में क्या सब होता है, देखिए यदि हम ये कोण की बात करेंगे, ये कोण सी हुआ, तो इसका जस्ट सामने वाला जो कोण होता है एंगल, ये सामने वाला इसका लंब होता है, इसका सामने वाला लंब होता है। यदि हम इस कोण की बात करेंगे तो इसका सामने वाला क्या होगा, मेरा लंब तब हो जाएगा, ये लंब सामने वाला, जिस कोण पे हम बात करेंगे उस सामने वाला उसका लंब होता है। वक्त आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ये कोण ए, जैसे हम मैंने आपको बोल दिया कोण ए, तो कोण ए बोलेंगे तो आपको इसमें सम कोण बोलिएगा, पूछेंगे कोण ए में, एबीसी त्रिभुज में कोण ए लिए तो आप बताइए कि इसमें इसका लंब कौन होगा, तो लंब इसका कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। यदि हम कौन सी का बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, एसी। अब कर्ण कभी बदलता नहीं है, चाहे हम कोनो भी एंगल का बात करें तो चलिए इस त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों का मौत, इसी तरह आपको समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। इसमें देखिए त्रिकोणमिति में छह परिवार, छह सदस्य होता है मात्र, और छह सदस्य को ही उल्टा पुलटा करना पड़ता है। देखिए जैसे त्रिकोणमिति, उसको हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। देखिए क्या सब सदस्य होता है, पहला होता है साइन, इसको मान लीजिए आप थीटा, इससे ज्यादा समझ में आएगा, कौन सी को क्या थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप बढ़ेगा। अभी जस्ट मैंने बताया इस कोण की बात करेंगे तो लंब मेरा कौन होगा, लंब ये सामने वाला मतलब ए बी होगा, आप इसको लिख दीजिएगा लंब क्या हो गया, ये लंब को पी से सूचित करते हैं, जिसका अर्थ होता है परपेंडिकुलर। और जब ये लंब हुआ जिसपे खड़ा है वो लेटा हुआ जो उसको आधार हो जाता है, जिसपे खड़ा होता है उसके नीचे क्या होता है आधार, तो अब इसको क्या बोलेगा आधार। जस्ट जब लंब और आधार मिल कर्ण, तो इसको सामने वाला ही कर्ण हो जाएगा। जब ये दोनों मान लिया लंब में भी आधार में भी क्या हो जाएगा कर्ण, ये हो गया कर्ण। और इसको एच से सूचित करते हैं, एच मतलब इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, और बी मतलब इसको आधार मीन्स इसको बेस, बी मतलब इसको बेस बोलते हैं। ये हो गया, तो मैंने कहा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या मान लीजिए क्या हुआ थीटा, मुझे इस कोण थीटा कोण सी की बात कर रहे हैं,
तो आप देखिए एक मिनट, जब साइन थीटा ले रहे हैं तो ये हुआ, तो लंब मेरा ये हो गया, तो साइन थीटा बराबर होता क्या, लंब बटा कर्ण। हम अभी सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, कौन सी का भी ये पे नहीं बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ सी पे देखेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हम अगला ले लीजिए, कौन सब क्षेत्र में से, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण मीन्स वी बटा एच। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, मीन्स पी बाय बी। तो किसका मतलब हो गया, कर्ण थीटा थी साइन थीटा बराबर मीन्स लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मीन्स आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा मीन्स लंब बटा आधार। तो ये हो गया। आप देखिए ये तीन जो हुआ ना, इसी का वो जो अगला तीन होगा इसी का जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट। ये जैसे आप तीन हुआ तब इसका उल्टा ही वो तीन होगा। पहले जैसे आपको मान लीजिए ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, बोलेगा साइन थीटा, मान लीजिए ये आपको दिया है फोर, ये थ्री, ये फाइव, पूछ रहा कि आप साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो साइन थीटा और क्या देखें, अभी जस्ट इसको नोट कर लीजिए, तब नहीं तो जस्ट इसका मैं उल्टा बताता है। तो साइन का आपने जस्ट देखे क्या कि लंब बटा कर्ण, तो लंब मतलब पी, तो पी मेरा कितना फोर, कर्ण कितना फाइव, वेल्यू निकल गया। जस्ट अभी आप कोस कोस थीटा का बात करेंगे, कोस का मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा क्या है थ्री, कर्ण कितना है फाइव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्री बाय फाइव। अगला है टेन थीटा, टेन आप देख रहे हैं पी बाय बी, हम सिर्फ थीटा का मतलब देख लीजिए कौन सी का बात कर रहे हैं, ए पे नहीं जा रही, तो उल्टा पुल्टा भी नहीं करना आपको, पर समझना है इसको, समझने के बाद किस तरीका से इसको उल्टा करना है। तो अब देखिए टेन टा पी बाय बी, तो मीन्स पी कितना है फोर, बी कितना है थ्री, तीनों के आंसर निकल गया। अब इसको नोट कीजिए, जस्ट मैं इसका उल्टा बताएंगे किस तरीका से होता है।